तो देखिए भैया, ये जो सांप है इसको मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ ना, इसको कहते हैं रसल वाइपर, हिंदी में कहते हैं चीतल, और इसको यहाँ पे बोलते हैं जाड़ा। जाड़ा आपने सुना होगा ना? और ये काफी तेज काटता है, और गलती से अगर ये आपको काट ले तो 45 मिनट में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो पक्का कि जान बचना मुश्किल है, क्योंकि इसके काटने में सड़न गलन भी होता है। और देखिए, सांप जो है हमारा पर्यावरण का एक हिस्सा है, अगर ये ना रहे तो हमारे पर्यावरण में क्या दम रहेगी, क्योंकि जीव जंतु से ही दुनिया बनी है। अगर जीव खत्म हो जाए केवल पत्थर और ये दीवारें बचे तो क्या हम लोग जिएंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, चींटी से लेके कीड़े मकोड़े चीड़े सबको बचाने में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और देखिए, पब्लिक प्लेस है, हर जगह साइड हो जाए गाड़ी बनाने, तो देखिए इसकी भी क्या गलती होगी, क्योंकि हमारा जो घर वो पहाड़ से सटा हुआ है, जो चट्टान है वहाँ से सटा, तो पक्का है कि वहाँ से आया होगा। मगर आया तो हम लोग थोड़ा प्रयास करें कि इसको बचाएं और इसको वापस इसको पर्यावरण में छोड़ो। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम इसको दिखाते, थोड़ा भाई पीछे हट जाओ, तो बहुत भयानक है। तो देखिए, ठंडी के वजह से थोड़ा जब मौसम में बदलाव हुआ है ना, इससे थोड़ा शांत हो गया, वरना ये शांत नहीं रहता अपना तेज भागता है। अब देखिए, जब आइडिया हो तो किसी जानवर को ज्यादा बिना पड़नाए उछलना पटकना से अच्छा है कि उसको जब आराम से धीरे से किसको ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, आराम से उसको डाल दीजिए। अब देखिए, वो बिल्कुल आराम से, इसको छूने के भी जो पड़ा है, तो देखिए ये बहुत ज्यादा विषैला है, दिखा रहे सबको दिखाओ। और यही हम कहते हैं पर्यावरण में देखिए ले बुझे तो जरूर होगा, वहाँ ऐसे किसी को नहीं बनाना, इसको जहर दिए तो इसका महत्व है, क्योंकि अगर इसको जहर ना रहे तो सब ऐसे लात मार के चले जाएंगे। तो भगवान ने इसको जहर दिया कि तुम अपना पेट भरने के लिए जा रखो, मगर फिर भी हम लोग डरते हैं क्योंकि डरना जाहिर है, क्योंकि इससे काफी सारे जल्दी बचता नहीं रहा हॉस्पिटल ला पहुंचे। और देखिए इतने सारे लोग हैं ना, बहुत लोग जो है झाड़ फूक के विश्वास रखते हैं कि सांप काटने पर झाड़ फूक जाते हैं, तो ऐसा ना करिए, क्योंकि अपने डिबोलगंज में वहाँ सरकारी अस्पताल में कोई अवेलेबल है मौजूद है तो वहाँ पक्का जाइए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि अगर झाड़ फूक वाला कोई चीज़ एक को खिला दे तो हो सकता है कि उसको जहरीला सांप ना काटा वो बच जाता, तो उससे अंधविश्वास बढ़ जाता है कि बचा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और 200 से ज़्यादा प्रजाति के सांप पूरे भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 4-5 सांप जो है जहरीले हैं, बाकी सारे सांप बिना जहरीले काटे तो आपको कुछ नहीं होगा। इसीलिए सांपों को जानिए और बचाइए, ठीक है भाई? ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग ने दो रसल वाइपर पकड़े हैं उनको यहाँ छोड़ने के लिए जंगल की तरफ आए, कि यहाँ अच्छा खासा माहौल है, यहाँ इन लोग के रहने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए इधर है ये हमारे दोनों रसल वाइपर, अब इन लोग को छोड़ दिया जाए। तो देखिए ये एक ये, देखिए दोनों, देखिए कि ये अपना चला गया और देखिए इधर चला गया।